गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 6 जो है उस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, मैंने उस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज आपको करा दी है, केवल आपका उसमें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रह गया, वो आज हम लोग करेंगे। ओके, हमने आपको लेसन 6 का सारा एक्सरसाइज करा दिया था, हम लोग आज उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सबसे पहले क्लास वर्क, डेट, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज़्यादा होने या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं, जिससे कोई एक चीज़ का पता चलता है, और बहुवचन किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। और वचन कितने होते हैं आपके, वचन 2 होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, कुर्सी आदि। जैसे कि शब्द के जिस रूप से उस एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि कोई एक बच्चा, कोई एक कुर्सी, एक पेंसिल, ये आपका एक वचन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, कुर्सियां आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बच्चे, कुर्सियाँ, पेंसिलें आदि। यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर बच्चे, यानी कि कोई एक बच्चा यहाँ पर है, यहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। यहाँ एक कुर्सी, यहाँ पे कई ढेर सारी कुर्सियाँ हैं। यहाँ पर एक पेंसिल है, यहाँ पर कई ढेर सारी पेंसिलें हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं उसे बहुवचन कहते हैं, और कोई एक चीज़ होती है उसे एकवचन कहते हैं। क्लियर, आपका होमवर्क है बेटा, हमने जो आपको अभी ये क्वेश्चन आंसर कराए हैं इसको आपको याद करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर जो हमने 1 से लेके 4 तक कराया है इसको आपको याद करना है। हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं, वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। क्लियर, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, कुर्सी आदि। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, कुर्सियां आदि। ओके बेटा, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए और आपका हिंदी लैंग्वेज में लेसन 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अपना होमवर्क जो है इसको आपको लर्न करना है, मतलब याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।